नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जेजेएन न्यूज में। वक्त हो चला है हल्द्वानी की खास खबरों पर एक नजर डालने का। शुरू करते हैं हल्द्वानी की पहली खास खबर से। हल्द्वानी के वनभूलपुरा थाने में नगर के प्रतिष्ठित समाज सेवी और निगम पार्षद के पुत्र के खिलाफ पुलिस ने संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। बता दें, नगर निगम पार्षद के पुत्र के खिलाफ मारपीट, गाली गलौज और लूटपाट की घटना को अंजाम देने का मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस ने पार्षद लईक कुरैशी के पुत्र समद कुरैशी, राहिल कुरैशी और अफजल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। हल्द्वानी में अवैध रूप से दुकानों में रखे जा रहे गैस सिलेंडर का एक बार फिर भंडाफोड़ हुआ है। वहीं ऐसे में अब आज एक बार फिर सिटी मैजिस्ट्रेट ऋचा सिंह भी एक्शन मोड में नजर आई हैं। जानकारी के लिए बता दें कि सिटी मैजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने मुखानी चौराहा स्थित शमा रेस्टोरेंट में छापेमारी की है, जहां उन्होंने मौके पर पहुंचकर 6 घरेलू सिलेंडर्स को जब्त किया है। अतिक्रमण का मामला नैनीताल जिले के कालाडूंगी में भी पहुंच गया है। बता दें कि यहां जैसे ही अतिक्रमण चिन्हीकरण का काम शुरू हुआ, वैसे ही लोगों में भय का माहौल बन गया है। अतिक्रमण चिन्हीकरण का काम फिलहाल मुख्य हाईवे किनारे उत्तराखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर किया जा रहा है। ऐसे में लोक निर्माण विभाग द्वारा हल्द्वानी कालाडूंगी मुख्य हाईवे के किनारे अतिक्रमण को चिन्हित करते लाल निशान लगाए जा रहे हैं। पिछले 8 महीने से संविदा पर तैनात हल्द्वानी वन प्रभाग के 5 रेंजों में तैनात वन कर्मियों का अब सब्र टूटता जा रहा है, जिसमें शुक्रवार को तमाम वन कर्मियों ने विभाग के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और जल्द से जल्द मानदेय दिए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि पहले ही वेतन विसंगति का दंश झेल रहे हैं वो लोग, ऊपर से अब मानदेय भी रोक दिया गया है। जज फार्म में 3 दिन पहले खराब हुआ नलकूप अभी तक नहीं सुधरा है। इससे क्षेत्र की 5,000 से अधिक की आबादी पानी के लिए परेशान है। जल संस्थान की ओर से क्षेत्र में टैंकर भेजे जा रहे हैं, इसके बावजूद भी पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है। हल्द्वानी की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जेजेएन में जारी है। आप बने रहिए और देखते रहिए जेजेएन न्यूज। धन्यवाद।